गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम, आप देख रहे हो टेक बी शुभम। टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। इतना ही नहीं, मार्केट में ऑलरेडी कुछ इनोवेशन फंड है तो उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है उसको भी देखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि अगर आप टाटा इंडिया इनोवेशन फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो फंड है फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकता है, मेरा क्या ओपिनियन है, सब चीज आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। इस फंड का नाम है टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। ये जो फंड एक ओपन एंडेड फंड है, थेमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 11 नवंबर 2024 को और क्लोज होगा 25 नवंबर 2024 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम आप 5000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस फंड में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो और अलॉटमेंट लेने के विद इन 90 डेज के अंदर में ही पैसे अगर आप रिडीम कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो मीता जी है और कपिल जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, यानी कि इस टाटा इंडिया इनोवेशन फंड के होल्डिंग्स बनाने के लिए जो स्टॉक पिकअप होने वाला है वो होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को भी समझते हैं कि इंडेक्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, इस इंडेक्स में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सेक्टर वाइज भी देखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मार्केट में ऑलरेडी जो इनोवेशन फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज देखेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इनके बेंचमार्क को। इनका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस इंडेक्स के अंदर में एक कुछ स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, HDFC बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 7.09% का, और ICICI बैंक लिमिटेड 4.90% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है 4.86% का, इंफोसिस लिमिटेड का है 3.41% का, और भी कुछ स्टॉक है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, जिसका जो वेटेज है 28.98% का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का है 9.64% का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेक्टर है इस इंडेक्स के अंदर में, क्योंकि ये जो इंडेक्स है निफ्टी 500 इंडेक्स है। इनके जो फंड मैनेजर है इस फंड के होल्डिंग्स बनाने के लिए जो स्टॉक पिकअप करेंगे इन्हीं निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के स्टॉक को ही पिकअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इनके पास्ट का रिटर्न देखोगे तो लास्ट के 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है 36.33% का, लास्ट के 5 ईयर में 19.77% का रिटर्न दिया है, और सिंस एक्सपेंस देखा जाए तो 12.71% का रिटर्न दिया है। ये ऑलरेडी कुछ मार्केट में ऑलरेडी इनोवेशन फंड लॉन्च हो रखे हैं जो कि 1 साल से 2 साल से 3 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कैसा परफॉर्म किया है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरा क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजें। मार्केट में ये कुछ टॉप 5 इनोवेशन फंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसके रिटर्न को हम देखें तो ICICI पोटेंशियल इनोवेशन फंड है जिसने लास्ट के 1 ईयर में 50.59% का रिटर्न दिया है, और ये फंड हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, यानी 1 साल हुआ है इस फंड को। यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि इसका भी ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हुआ है, तो 1 ईयर का जो रिटर्न है 43.93% का है। एक्सिस का भी इनोवेशन फंड है जिसका ऑलमोस्ट 3 ईयर हो चुका है, और लास्ट के 3 ईयर का रिटर्न अगर देखोगे तो 12.79% का है, और 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 40.31% का है। 1 ईयर का रिटर्न कभी मत देखना, 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देखना, लेकिन 5 ईयर में बहुत ही कम ही ऐसे फंड है जो कि लॉन्च हुए हैं, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल में इनोवेशन फंड बहुत सारे जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो ला रहे हैं। बाकी DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड है जिसने लास्ट के 1 ईयर का जो रिटर्न है 40.31% का है। तो ओवरऑल ये सारे रिटर्न को मैं देखें और मेरा ओपिनियन बताऊं तो क्या है मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इनोवेशन टाइप वाले फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम आपका गोल होना चाहिए 5 ईयर का। 5 ईयर के लिए कम से कम करो, अगर 5 ईयर के लिए अगर करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैं तो कहूंगा 12-13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट करना, उससे ज्यादा मत करना। बाकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन ओपन कॉमेंट कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, टेक केयर।